भाजपा के मिशन रिपीट के लिए पार्टी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है और इसी के चलते सर्किट हाउस हमीरपुर में भाजपा की अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र प्रभारी एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने शिरकत की। इस अवसर पर राजेंद्र गर्ग ने भाजपा के पदाधिकारियों को विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के मिशन रिपीट करने के लिए टिप्स दिए तो पार्टी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी ठोस योजना बनाई। इस मौके पर विधायक नरेंद्र ठाकुर, मंडलाध्यक्ष रमेश शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता प्यारेलाल शर्मा, वीना शर्मा, अनिल ठाकुर, तेन सिंह इत्यादि मौजूद रहे। आपको बताएं कि इससे पहले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने भोटा स्थित रेस्ट हाउस में भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी रणनीति तय की है। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि वर्ष 2022 में भाजपा को सत्ता में लाने के उद्देश्य से ही बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में विकास कार्य किया जा रहा है और सरकारी स्कीमों का पूरा लाभ लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लोगों को भरपूर लाभ दिया जा रहा है, जिससे जनता पूरी तरह से खुश है। आज यहाँ हमीरपुर भाजपा मंडल की कार्यकारिणी की मीटिंग है, इसमें प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा होगी और प्रदेश सरकार ने जो जनहित में काम किए हैं, विकास के काम किए हैं, उनको जनता तक पहुँचाने के लिए योजना बनाई जाएगी, ताकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से 2022 में सत्तासीन हो सके। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट लक्ष्य है कि 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनानी है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है तैयार है और जनता भी तैयार है। जनता में सरकार के प्रति किसी प्रकार का कोई रोष नहीं है और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जनता के कल्याण के लिए जो नीतियां बनाई हैं, चलाई हैं, उससे जनता खुश है। चाहे वो हिम केयर की बात हो, लोगों को फ्री स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है, सहारा योजना में जो ऐसे हमारे बंधु हैं जो बेड रिडन हो गए हैं, उनको कोई पूछता नहीं था, उनके लिए 3,000 रुपये की पेंशन प्रति माह देना एक माइलस्टोन है हिमाचल प्रदेश के अंदर। इस प्रकार जो 80 साल की आयु से जो पेंशन मिलती थी उसको 70 साल की आयु से किया और वो भी 750 से बढ़ाकर 1500 रुपये किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हिमाचल प्रदेश सरकार की है, जो समाज की सुरक्षा के लिए, समाज कल्याण के लिए नीतियां बनाई गई हैं, जो हमारी गरीब बहनें हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए जो IRDP में है उनके लिए 31,000 रुपये की सगुन योजना जैसे चलाना, एक नई योजना हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हुई है, जिसके कारण गरीब लोगों को बहुत बड़ा सहारा जो है मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मिल रहा है। जहां प्रदेश में महंगाई को लेकर जनता परेशान है, वहीं खाद्य आपूर्ति मंत्री ने डिपो में सस्ता राशन देने का दावा किया है। डिपो में महंगा राशन मिलने के सवाल पर खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि राशन के डिपो के सामान के दामों में बाजारों के दामों से बहुत फर्क है। उन्होंने कहा कि सब्सिडी के माध्यम से जनता को पूरी राहत प्रदान की जा रही है। वहीं डिपो धारकों की सेल कम होने के सवाल पर राजेंद्र गर्ग ने कहा कि इस पर सरकार के पास मामला विचाराधीन है और जल्द ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। वन राशन कार्ड हिमाचल में चालू कर दिया है 17 अप्रैल महीने से और जहां भी जिसको जरूरत है वो लोग उसका राशन जो है ले रहे हैं। देखिए, राशन के डिपो और मार्केट का जो रेट है उसमें बहुत अंतर है। तो आज दालों को ही लेंगे तो दालों की कीमतें मार्केट में ज़्यादा है और जो राशन डिपो के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है उसकी दर बहुत कम है। तो सब्सिडी के माध्यम से हम प्रदेश की जनता को पूरी राहत पहुंचा रहे हैं। और सर, ये जो डिपो वाले हैं, डिपो धारक जो हैं, इनकी एसोसिएशन की कोई एक मुफ्त नीति बनाने की कोई डिमांड है, उसके ऊपर क्या किया? इनकी मांग है लेकिन उस पर विचार किया जा रहा है, जो भी यथाउचित होगा उसको करेंगे।